आज हमने ये वैक्सीनेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी ये हमारे टोटल हाजीज है 269 करगिल डिस्ट्रिक्ट का, और ये प्रोसेस हमारा हर ब्लॉक के हेडक्वार्टर पे चल रहा है। मैक्सिमम जो है अभी करगिल हेडक्वार्टर पे हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 78 है हमारे लिस्ट के हिसाब से, प्लस जास्कर के जो दो बंदे हैं वो भी यहाँ पे आने वाले, तो हमारा 80 हो जाएगा। आज हमने ये लॉन्च किया हुआ है, मंडे तक प्रोसेस चलेगा, तो उसके बाद भी देखते हैं अभी, क्योंकि रोड का कुछ हमारे हाजी साहिबान का शिकायत आ रहा था कि वो लोग श्रीनगर में फंसे हुए, रोड बंद है, तो हम अगर ऐसा कुछ ज़्यादा ये तकलीफ में हो गए तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने मंडे तक का रखा हुआ है। वैक्सीन हमारा पूरा पहुंचा हुआ है, लॉजिस्टिक्स पूरी पहुंची हुई, हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और वैक्सीन स्टार्ट हो गया हर ब्लॉक में। सर फरफान एरिया द्रास तस्कर में हर ब्लॉक में, सर 7 ब्लॉक से करगिल डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमें जो कंफर्मेशन आई हुई है वो 30% वैक्सीनेशन अभी हर ब्लॉक में हो चुका है। सर थैंक यू। रहमानुर्रहीम, मैं मोहम्मद काजिम छाणीगुड से बोल रहा हूँ, छाणीगुड वाला। तो ये हाजी हो, हम इस साल हाजी के लिए निकले हैं, तो कारगिल में जो हाजी के लिए 300 सब लगभग 350 है, तो हाजी का बाकी इंतज़ाम है जो गवर्नमेंट का बहुत है हेल्थ सिस्टम में, और बाकी हाजी हो ये क्या नाम हाजी कमेटी जो है
अली बजाज वगैरह का, तो हमें इसका बहुत बहुत शुक्रिया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सहूलियत दिया हुआ है हमें। वैक्सीनेशन आज हो रहा है कारगिल में, ये आज 27 अप्रैल का, तो बहुत बहुत शुक्रिया है गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम में। तो हमें हज उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो 9 मई से लेकर आगे हमारा प्रोग्राम है हज के लिए निकलने का। तो अल्लाह ताला ने तौफीक किया तो इंशाल्लाह आगे निकल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है हमें। बाकी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, इसलिए हेल्थ सिस्टम में बाकी यहाँ से डॉक्टर वॉक्टर सारा इंतज़ाम भी आगे के लिए हज के लिए मदीना मक्के के लिए पूरे निकाला है। तो हमें टीम इसके लिए बहुत बहुत हज कमेटी के लिए भी शुक्रिया है, हेल्थ सिस्टम का भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024 हज बैतुल्लाह पे तशरीफ़ लेने वाले तमाम लद्दाख के हजों के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से पूरा लद्दाख के हर एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिस पे वैक्सीनेशन की सहूलियत फराहम रखा है। तो आज कारगिल के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे हजों का आना जारी है, हर ब्लॉक पे ये सहूलियत रखा है वैक्सीनेशन का, कारगिल के अंदर भी और लेह के अंदर भी तमाम हजों के लिए ये हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन और जो भी फिजिकल बाकी भी चेकअप होते हैं वो सारा हो रहा है। सर एक ये आया था, मतलब बीजेपी प्लेटून की तरफ से एक ये क्वेश्चन उठाया था कि जो हज जो ट्रेनर्स हैं, हज ट्रेनर्स में एलिशनल कम्युनिटी का कोई नहीं है। उनका ये कहना था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये एलिशनल की कारगिल में है, जो द्रास में है, कारगिल में है, पानी उसको ले से 2 साल से हमारा कोई नहीं है। तो उस पे आप क्या कहेंगे और खादिम का क्या कहना है, हज खादिम का? देखिए जी साहब, इसमें कम्युनिटी को लेकर कोई पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी के बेस पे ये हम नहीं लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये ऑनलाइन अप्लीकेशन हम ऑनलाइन प्रोसेस पे ये करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो हमारा द्रास से ट्रेनर के लिए कोई एप्लीकेशन अभी तक टिल डेट तक नहीं आया था, और खादिम के लिए द्रास से भी आए हैं, ले से भी आए हैं, जिसका अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर कंसंट्रेशन है। तो इसको लेकर कोई भी खदशात होने की ज़रूरत नहीं, पार्टिकुलर हम किसी कम्युनिटी को इंटरेस्ट नहीं देते हैं। ये जनरली ओपन एक ऑनलाइन प्रतिज्ञा होता है, ऑनलाइन